आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव का फैसला आया है, जनता ने अपना फैसला सुनाया है और चुनाव आयोग ने अपना नतीजा सुनाया है। जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है, चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में। आप सब लोग ये समझ सकते हैं कि जनता का जो जनादेश है और जो नतीजा इलेक्शन कमीशन का है, नतीजे और फैसले का बड़ा अंतर है। फैसला हमारे पक्ष में और नतीजा उनके पक्ष में। ये कोई बिहार में पहली ऐसी कोई घटना नहीं है। 2015 में महागठबंधन जब बना था तो वोट जो है, जनादेश जो है, वो महागठबंधन के पक्ष में था, लेकिन चोर दरवाजे से बीजेपी सरकार में आई, जो कि बीजेपी के जनता का जो आदेश था कि बीजेपी को विपक्ष में रहना। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री लालच में, लोभ में या डर के कारण, या आप कह सकते हैं बीजेपी ने हाईजैक कर लिया, बीजेपी की सरकार रही। कहा जाता है डबल इंजन की सरकार, लेकिन पूरे चुनाव में हम लोगों ने जो सही मुद्दा था, जो जनता का मुद्दा था, चाहे सरकारी नौकरी रोजगार के सवाल पे, गरीबी भुखमरी पलायन मजदूर किसान, शिक्षा चिकित्सा, या आप कह सकते नियोजित शिक्षकों की जो समान काम समान वेतन, या स्वयं सहायक समूह के मानदेय की बात रही हो, नौकरी की बात रही हो, उसको लेकर के हम लोग बड़े सकारात्मक रूप से हम लोगों ने मुद्दा बनाया। और मुझे खुशी है कि जनता ने हम लोगों का साथ दिया और उस मुद्दे पे चर्चा। और मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि देश का, बिहार का ही नहीं बल्कि देश का युवा, मजदूर किसान, स्वयं सहायक समूह, जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हो, विकास मित्र हो, नियोजित शिक्षक हो, जो हमारे श्रमवीर रहे हो, आज सब लोगों में आक्रोश है। आक्रोश इस बात का, धन बल छल, धन बल छल। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री, बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री, और एक बिहार के मुख्यमंत्री तमाम पूंजीपति एक तरफ रहे, जोर भाग गुना सब कुछ करने के बावजूद भी इस 31 साल के नौजवान को रोकने में नाकाम रहे, तब जाकर के जो बीजेपी का जो प्रकोष्ठ, आप प्रकोष्ठ भली भांति समझ सकते हैं कि बीजेपी का प्रकोष्ठ कौन है। बीजेपी के प्रकोष्ठ ने जोर भाग गुना सब कुछ किया, फिर भी राष्ट्रीय जनता दल को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने से रोक नहीं पाई। और महागठबंधन के सभी साथियों एकजुट होकर के हम लोगों ने मुद्दे की चुनाव पर हम लोग चुनाव लड़ने का काम किया। और आप जानते हैं कि ये मुद्दा कुछ लोगों ने असमर्थता जताई कि नौकरी नहीं दी जा सकती, जो कि डबल इंजन का चेहरा है, जो लोग बड़े बड़े दावे करते थे कि चेहरे का कमाल है कि राष्ट्रीय जनता दल को हमने कहां से कहां पहुंचा दिया। आज देखिए उनका चेहरा तीसरी नंबर पर चले गया, तीसरी नंबर पर। नीतीश कुमार जी साफ तौर पे ये समझ लें, भाजपा के लोग साफ तौर पे ये समझ लें, ये जो जनादेश है ये बदलाव का जनादेश है। अगर थोड़ी सी भी अंतरात्मा, नैतिकता नीतीश कुमार जी में बची होगी, तो ये जो कुर्सी पर बैठने का जो शौक है,
जोर तोर भाग गुना करके जो बैठने का शौक है, कहीं ना कहीं से उनको जनता के इस फैसले का सम्मान करते हुए कुर्सी से हट जाना चाहिए। और कुछ लोग भले ही कुर्सी पर बैठे, लेकिन महागठबंधन और हम लोग जनता के दिलों में बैठे हुए हैं। जनता, बिहार की जनता हम लोगों के साथ है। और बड़ा आश्चर्य की बात है, अभी तो हम लोग धन्यवाद यात्रा भी निकालेंगे, क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि हम जीते हैं, हम हारे नहीं हैं, हम जीते हैं। पहली बार देश के किसी विपक्ष ने एक एजेंडा सेट किया और ये जो नतीजा आया है, ये हमारे पक्ष में फैसला है और नतीजा जो उनके पक्ष में। लेकिन क्या ये सवाल खड़ा होता है कि देश के खासतौर पे बेरोजगारी जहां बिहार में 46.6% है, जहां मुख्यमंत्री असमर्थता जताते हैं कि नौकरी नहीं दे सकते, तो क्या बिहार का जनता रोजगार नहीं चाहता? बिहार का जनता सरकारी नौकरी नहीं चाहता? ये सवाल खड़ा करता है। और हम लोग तो धन्यवाद यात्रा में भी जल्दी ही जाएंगे, लेकिन सरकार में अगर जो लोग छल कपट धन बल के कारण जो लोग बैठ रहे हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि 4 दिन की ही चांदनी है, लेकिन अगर 19 लाख रोजगार, समान काम वेतन नियोजित शिक्षकों को, स्वयं सहाय समूह को अगर मानदेय, शिक्षा चिकित्सा अगर नहीं सुधरी जनवरी तक के महीने पर, तो हम महागठबंधन के लोग बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। दूसरा पहलू, कुछ लोग बड़ा कहेंगे कि हार गए तो लोग रो रहे, नहीं, हम लोग रोने वाले लोग नहीं है, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग, जनता के बीच रहने वाले लोग, सबको साथ लेकर के चलते हैं। जहां भी रहेंगे जनता की आवाज को बुलंदी से उठाते रहेंगे। लेकिन आप सब लोग देखिएगा कि आखिर कहां चोर तोर भाग गुना हुआ। तो कुछ सवाल है, हम आपको काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट पेपर्स की प्रक्रिया बता दें। काउंटिंग पोस्टल बैलेट में एक दिन पहले ही राष्ट्रीय जनता दल के पेज से एक वीडियो जो है एक जारी किया गया था ठीक चुनाव से पहले। उस वीडियो में साफ तौर पे दिखाया था कि रात के अंधेरे में आरा में रात के अंधेरे में एक गाड़ी निकली, उस गाड़ी में पोस्टल बैलेट के बक्से निकले। चुनाव आयोग बताया कि रात में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन, चुनाव के वोट बक्से को इधर से उधर ले जाया जा सकता है, नहीं ले जाया जा सकता। तो बिहार की जनता का निर्णय है, लोगों ने जो उनके हाथ में ताकत थी, जनता मालिक है, और जनता का निर्णय हो गया, पुनः एनडीए को बहुमत प्राप्त हुआ है और एनडीए की सरकार बनेगी। हम लोग तो सब दिन से कहे हैं कि भाई जनता मालिक है, उन्हीं को उनको करना है। नहीं, अभी उस सब चीज के बारे में कोई अभी फाइनल नहीं हुआ है। अभी तो आज तो चुनाव आयोग ने ही लिस्ट सबमिट किया होगा गवर्नर साहब को, तो वहां पर जब लिस्ट सबमिट होगा इसके बाद बाजाप्ता ये जो हाउस है अभी एग्जिस्टिंग, इसका तो 29 तारीख तक है, इसलिए बीच में ही अगर करना है तो उसको डिजॉल्व भर भर करना पड़ता है, उसके बाद ही कोई नई सरकार बनती है, शपथ ग्रहण होता है। तो इस सब में प्रोसेस जो भी 1-2 दिन का लगेगा, 3 दिन का लगेगा, अभी डेट नहीं तय किया गया है। ये तो वही ना कहेंगे कि दूसरा कौन कहेगा, एनडीए की बैठक होगी
और उसमें औपचारिक रूप से निर्णय होगा। तो जो बैठक हुई बता रहे हैं कि अभी एक दो दिन के बाद ही ना हो पाएगा, अभी नहीं तय हुआ है, दिवाली के बाद की छठ के पहले की छठ के बाद ही अभी तय नहीं हुआ। आज ही लोग आए हुए थे, कल फिर हम लोग बातचीत करेंगे आपस में, सब लोग जो है चारों घटक दल के लोग कल मिलेंगे। वैसे हम लोगों की मुलाकात सब लोगों से हो चुकी है, लेकिन एक साथ बैठना चाहिए, तो कल संभावित है कि हम लोग आपस में बातचीत करें। औपचारिक मीटिंग तो उसके बाद हो, मैंने विधानमंडल दल की बैठक तो उसके बाद होगी एनडीए की, लेकिन कल चारों घटक दल के लोग आपस में बैठ के बातचीत करके ही एक एक चीज तय करेंगे कि किस दिन क्या करना है। तो अभी क्या मंत्री की संख्या, मंत्री की संख्या तय है, जो लिमिट किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो मंत्री की संख्या तो ही है। अब कितने मंत्री पहले दौर में बनते हैं उसके बाद बनते हैं, ये सब तो बाद की चीज है। I could not follow. What do you mean? Simple question being, sir, आप जो है क्या आप ही आप समझ लीजिएगा ना? नहीं ना, हम अंग्रेजी नहीं समझ सकते जो बोले। के लिए ट्रांसलेट क्या ये एनडीए की बैठक में तय होगा ना? ये तो एनडीए की बैठक होगी, उसमें ना निर्णय होगा कि एनडीए का कौन नेता होगा। जो रिजल्ट आया है उससे आप खुश हैं? जो रिजल्ट आया है उससे आप खुश हैं? क्योंकि आपके चेहरे पे, आपके नाम पर, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और आप सबसे कम सीट लाए, जो आपके आप तीन सहयोगी के साथ लड़ रहे थे चुनाव में गए थे, आपकी जो बीजेपी है वो चार सहयोगी के साथ ये चुनाव लड़ रही थी, क्या कहें? नहीं, जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में जो परिणाम है और हम लोगों की सीट का जो कुछ भी है वो हम लोगों ने जो देखा है, एक एक चीज का और पूरा विश्लेषण हो रहा है, तो उसको देखा गया है कि किस तरह से हम लोगों के सीट पर कैसे क्या किया गया और उसके चलते जो मतगणना जो है होता है, तो लोगों को अधिकार है, लेकिन कोई इधर का वोट कैसे उसको बांटा गया, किस तरह से क्या किया गया, ये तो इसके बारे में पूरा अध्ययन किया जा रहा है। लेकिन कई समाचार पत्रों ने और मीडिया के लोगों ने भी देख करके बता दिया है कि जो जेडीयू कितने सीटों पर, अलग अलग बोले हैं लोग, और उसको हमारे पार्टी के लोग भी और सब लोग गठबंधन के लोग भी देख रहे हैं, ये अपने एनडीए के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ये लोग भी देख रहे हैं और पार्टी के लोग भी देख रहे हैं कि कहां क्या हुआ है एक एक सीट के बारे में। और ये बात तो सही है, हम तो बिल्कुल, हम लोग तो अपना अभियान चलाते हैं और पूरे एनडीए के लिए अभियान चलाते हैं। लेकिन अगर कोई किसी के द्वारा, सिर्फ उसके यहां कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन खोज खोज करके खास तौर पर जहां मुख्यतः हम लोगों के क्षेत्र थे, वहां पर ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा करके वोट को काटा गया है, तो ये तो दिख रहा है और ये तो मीडिया के लोग भी एक एक बात का अध्ययन करके अलग अलग तरीके से लिख ही रहे हैं। एक 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 करके नहीं, इसका 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 हम लोगों से क्या मतलब, हम लोगों का तो कोई इसमें भूमिका नहीं है, रोल नहीं है। हम पर चाहे कोई कुछ भी बोले या कुछ भी करे, लेकिन हम लोगों की तरफ से तो कोई इसमें कोई भूमिका है ही नहीं, हम लोगों की इसमें कोई भूमिका नहीं है। लेकिन जानबूझ करके हम लोगों के ऊपर प्रहार अगर कोई कहीं से किया गया है, तो ये तो वही लोग जानते हैं। और इसके बारे में पूरे तौर पर आकलन करना और क्या करना चाहिए, इसका निर्णय लेना, ये तो बिल्कुल बीजेपी का काम, वो बीजेपी का करना काम है। हम लोग तो एलआई हैं, एक साथ हैं और साथ मिलकर के लड़े हैं, एक दूसरे के लिए काम किए। लेकिन कोई अगर इस तरह से किया है स्पेसिफिक,
कुछ सीट पर बीजेपी के भी कुछ दो तीन कुछ सीटों पर है, लेकिन जेडीयू के बहुत सीटों पर, मैंने इफेक्टिव सब सीट पर नहीं हुआ है, लेकिन इफेक्टिव भी कई सीटों पर हो गया है, ये देखा गया। हमारे एलाइज का क्या गेम प्लान है, हमारे एलाइज का क्या गेम प्लान है सर, ये ऐसा तो कुछ नहीं है केंद्र से निकाल देना भाई। हम देखिए एक बात जान लीजिए, हम अब तक सेवा किए और इतनी सेवा किए हैं कि सेवा करने के बाद भी अगर कोई गलतफहमी समाज में पैदा होती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आप जरा बता दीजिए कि समाज के किसी भी तबके की हम लोगों ने कोई उपेक्षा की है? कौन इलाका है जिस पर काम नहीं किया? और आप जानते ही हैं कि हम बिला वजह किसी पर बोलते नहीं, हम अननेसेसरी किसी के ऊपर अटैक अननेसेसरी करना ये सब मेरा काम नहीं रहता है। हम जो भी काम करते हैं उसके बारे में अपनी तरफ से बोलते हैं, बताते हैं, और जितना दिन से भी बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया तो उस बीच में जो कुछ भी करते रहे हैं आप सब लोग जानते हैं कि हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, हम लोगों ने काम किया है पूरे बिहार के लिए, और मान लीजिए कि हर गांव को फायदा है, समाज के हर तबके को फायदा है, किसी भी चीज, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, किसी भी चीज का मामला हो, हर चीज में जो इस राज्य में किया गया है तो उसके बारे में तो हम लोग हमेशा बोलते ही रहे और बताते ही रहे, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर मन में कोई बात आती है तो भाई वो तो अधिकार जनता का है ना, हर मतदाता का अपना अधिकार है, और हम लोगों का काम है लोगों की सेवा करना, हम बराबर कहते हैं सेवा करना ही हमारा धर्म है, तो हम लोग सेवा किए। लेकिन इसके बाद भी हम लोगों के सेवा का और सबको लाभ है, किसी भी गांव में जाइए लाभ है, लेकिन उसके बाद भी अगर काम करने के बावजूद अगर सपोज करिए कि हम लोगों के उम्मीदवार को कोई वोट नहीं करता थी तो उनका निर्णय है ना, हम उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अब तक जो काम करने का मौका मिला कोई बता दे कि समाज के किसी भी तबके की उपेक्षा हुई, और आप बताइए किस तरह से समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का भी माहौल कायम किया गया, आप जरा सोच लीजिए, उस तरह से सांप्रदायिक दंगा को भी नहीं होने दिया गया है, किसी भी तरह से बहुत तरह के क्राइम के बात लोग होती तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता रहा, ऐसा तो कुछ नहीं है कि क्राइम हो, हर तरह की चीज हो, और डेवलपमेंट हर काम हमने बिल्कुल ही समर्पित भाव से किया, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई साल ऐसा नहीं है जो पूरे बिहार में घूम करके देख करके कहां किस तरह से काम हो रहा है इसको देखे नहीं। वैसे तो ये दावा कोई नहीं कर सकता है कि हर आदमी ठीक ही है, चाहे वो सरकारी सेवा में हो या कोई और काम व्यापार में हो, किसी तरह का कोई काम करता हो, राजनीति करता हो, तो वो तो एक अलग बात होती है। लेकिन हम लोगों ने अपनी तरफ से तो पूरा जो प्रयास किया है उसमें सब लोगों के लिए काम किया, सब कुछ किया, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई भ्रम पैदा करने में कामयाब होता है और लोग भ्रमित होते हैं तो ये तो लोगों को अपना अधिकार है भाई, सोच का अपना अधिकार है, कोई निर्णय लेने का अपना अधिकार है, सबका ये एकदम बिल्कुल अपना फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, हम लोगों का तो उससे कोई उस पर हमारा है ही नहीं। इस तो मीटिंग होगी उसके बाद हो ही जाएगा ना, स्वामियों को क्या करना। एक बात हम बहुत साफ आपको करते हैं कि भाई कोई मेरी तरफ से, आपने देखा है कभी हम दावा करते हैं, हम कभी करते हैं, हमने तो काम किया, और एनडीए का ये निर्णय होता तो जो एनडीए का निर्णय होगा वही ना मान्य होगा, उसमें क्या करते। लेकिन कोई आप हमसे पूछिएगा कि आपका तो मेरा कोई क्लेम नहीं।